हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग जेई एडवांस 2022 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका जो रजिस्ट्रेशन फी जो है अब इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, पहले 2800 रुपया लगता था, अब उसको बढ़ाकर 3400 कर दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं पंजीयन शुल्क 2800 की जगह अब 3400 देने होंगे। ठीक है, आगामी वर्ष से जेई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क में वृद्धि की जा रही है। इसमें समान श्रेणी के छात्रों को 600 अधिक और SC/ST छात्रों को 300 अधिक देना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया गया है, जो पहले 2021 में जितना फी था 2800 था जेई एडवांस के लिए, उसको अब बढ़ा के समान कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 600 बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और जो SC/ST स्टूडेंट्स है उनको 300 बढ़ा दिया गया है। ठीक है, छात्रों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में वृद्धि के असर देश भर के छात्रों को पड़ेगा। आने वाले दिनों में जेई एडवांस 2022 में आवेदन करना छात्रों को महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, जेई एडवांस 2022 की रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार हो गया है। इससे पहले जहां पहले छात्रों को 2800 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस थी, उसे बढ़ाकर 3400 रुपये करने का प्रस्ताव है। महिला SC/ST की व दिव्यांग छात्रों के लिए पहले फीस 1400 रुपये फीस थी। ठीक है, जो SC/ST महिला है और जो डिजेबिलिटी कोटा के स्टूडेंट्स है उनके लिए जो फीस था वह 1400 था, उसे बढ़ाकर अब 1700 कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा नॉन सार्क देशों के छात्रों की फीस 150 अमेरिकी डॉलर USD से बढ़ाकर 200 अमेरिकी डॉलर और सार्क देशों के छात्रों के लिए 75 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 100 अमेरिकी डॉलर करने का भी प्रस्ताव तैयार हो गया है। ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन फी जो है जेई एडवांस का अब वह बढ़ गया है। रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने पर मुहर ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड 2022 की बैठक में ली जाएगी। यह बैठक अगले सप्ताह होने वाली है। इसी में जेई मेन व एडवांस की तिथि तय की जाएगी। आपका जेई मेन से एग्जाम कब होगा, जेई एडवांस से एग्जाम कब होगा, उसका डेट जो है वह अगले सप्ताह जो मीटिंग होने वाला है ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड का, उसमें आपका फिक्स कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका जेई मेन, ठीक है, और जेई एडवांस दोनों के एग्जामिनेशन डेट जो है अब जल्द ही रिलीज होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आप एक और न्यूज है कि नीट व जेई की परीक्षा तिथि जल्द आएगी। नीट और जेई दोनों का परीक्षा तिथि जो है वह जल्द ही आने वाली है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेई मेन 2022 व नीट 2022 की का पूरा कार्यक्रम तैयार कर लिया है। जल्द ही जेई मेन 2022 व नीट 2022 के साथ अन्य प्रवेश परीक्षाओं पर विचार कर नया तिथि जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और फिर कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए परीक्षा तिथि जारी की जाएगी। 12 जून को जेई एडवांस होना था, लेकिन जेई मेन के कारण जेई एडवांस की तिथि में बदलाव होने की संभावना बढ़ गई है। पहले जो आपका जेई एडवांस जो है उसका जेई एडवांस जो इस बार IIT बॉम्बे ऑर्गेनाइज कर रहा है, और इसका डेट जो है फिक्स कर दिया गया था कि 12 जून को आपका जेई एडवांस का पेपर होता, लेकिन जेई एडवांस का जो पेपर जो है 12 जून को अब कम होने का चांस है, क्योंकि अभी तक जेई मेंस का पेपर क्या रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो जल्द ही जो इसका डेट जारी किया जाएगा तो हो सकता है कि 12 जून था वह जुलाई हो सके। ठीक है, देश के बाहर नहीं होगा सेंटर। जेई एडवांस 2022 के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। जेई एडवांस 2021 की तरह ही जेई एडवांस 2022 में प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं हो रहा है जेई मेंस जेई एडवांस में। ठीक है, सेम रहेगा जो जो 2021 में था। ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड 2021 में जो सिलेबस में बदलाव का प्रस्ताव पास हुआ था वह 2023 से लागू होगा। जो आपका सिलेबस जो है जो बोर्ड के द्वारा पास किया गया है वह 2023 से लागू होगा। ठीक है, न्यू सिलेबस, लेकिन आपका 2022 में जो आपका जेई एडवांस का पेपर होगा वह सेम होगा जैसे 2021 में हुआ है। कोरोना के देखते हुए इस साल भी ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड देश के बाहर परीक्षा आयोजित नहीं करेगा, इसीलिए कोई भी देश के बाहर परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। आपका जो है आउट ऑफ कंट्री जो है आपका कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर नहीं होगा ड्यू टू कोविड कोरोना वायरस। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।